नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइंस, अगर आप एक्वेरियस हो और नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। यानी कुंभ राशि, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है ये जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये एनर्जी जो है ये 22 वर्ष भी होते रहते हैं, जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके साथ भी मैच कर सकता है। जितना भी आपके साथ जाता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में आया है। ये इंसान अभी कोई पैसे से रिलेटेड कोई खुशखबरी पाने का इंतज़ार कर रहा था, ऐसा मैं बोलती अगर ये रिवर्स में नहीं आता। लेकिन ये इंसान, ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं ये कहूँगी कि ये इंसान किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। जो भी चीज़ पैसों से रिलेटेड है, कोई न्यूज़, कोई काम, कोई गुड न्यूज़ जिसका इंतज़ार इन्हें करना चाहिए, ये नहीं कर रहा है अभी। ये वो सारी चीज़ों को एक अलग अंदाज से देख रहा है। जिस भी चीज़ के लिए इनको इंतज़ार करना चाहिए था, किसी खुशखबरी का, वो पैसे से रिलेटेड हो, वो उसको अभी इग्नोर कर रहा है। करंटली इनको हो सकता है ये आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इनको पैसे से रिलेटेड किसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए था खुशखबरी का, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। लेकिन इन्हें किसी चीज़ का इंतज़ार है। अभी देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, फोर ऑफ कप्स, यस, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। जैसा कि कहा मैंने कि उनको पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ के साथ अपना थॉट रखना चाहिए था, लेकिन ये अभी उस चीज़ से थोड़ा हट के सोच रहा है। हो सकता है ये इंसान इमोशनली किसी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को संभाल भी रहे हैं। ये कंफ्यूज भी है, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पैसों से रिलेटेड काम करना चाहिए या फिर दिल से रिलेटेड किसी चीज़ को सोचना चाहिए, मतलब प्यार, अपनापन, दोस्ती, रिश्ता, जो भी है प्यार, ये इमोशन के बारे में सोचे या फिर पैसों के बारे में सोचे, ये अभी कंफ्यूज है। और एक चीज़, ये इंसान खुद का जो इमोशन है उसको बहुत बुरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। इनका इमोशन बहुत है आपके लिए, लेकिन ये उसको कंट्रोल कर रहा है। जो आप जो उनके पास हो अभी वो उसको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है आपने पहले उनको इग्नोर किया था, और जो नहीं है उसके लिए ये सोच रहा है, लेकिन इमोशन इनके बहुत है, उसको वो दिखाने की कोई भी कोशिश फिलहाल करंटली नहीं कर रहा है। और ये खुद भी कंफ्यूज है कि उनको क्या पहले चाहिए, पैसा या प्यार, ये भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। एक्वेरियस के पर्सन चाहते क्या, या फिर ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस की पर्सन चाहते क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा कि ये नया कुछ सोच रहे हैं जिसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
मनी माइंडेड है, हमेशा पैसे के बारे में सोचता है, तो अभी ये इंसान उस चीज़ को नहीं सोच रहा है, उसके अलावा भी कुछ सोच रहा है, लेकिन ये कंफ्यूज है क्या दिल या पैसा, प्यार या पैसा। और ये चाहते हैं नया कुछ करना अपने लाइफ में, न्यू बिगिनिंग करना, मतलब अपने काम में, अपने रिश्ते में, अपने लाइफ में ये कुछ नया करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर हम पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये मेहनत करना चाहते हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स इनकी जो सर पे जो बोझ है, जो परेशानी है, हो सकता है ये रिश्ते को लेके हो, परिवार की परेशानी हो, काम की परेशानी हो, ये सारा चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये पैसे को अहमियत दे या दिल को, इसीलिए ये इंसान अभी दिल को अहमियत नहीं दे रहा है, दिल की इमोशन को छुपा रहा है और पैसे के तरफ ये भागने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये दिल को अहमियत दे रहा है, पैसे को छोड़ रहा है, इसके कारण से ये इंसान प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा बोझ लेके घूम रहा है अपने सर पे। ये बोझ को कम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत से खुद को खड़ा करना चाहते हैं, अपने लाइफ में नया कुछ करना चाहते हैं, रिश्ते को लेके भी नया कुछ करना चाहते हैं, मतलब जो हो गया, जो नहीं चल रहा था, जो परेशानी था उसको ख़त्म किया जाए। इनके दिल पे भी बोझ है, दिमाग पे भी जो बोझ है, दिल पे बोझ है, ये आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, और दिमाग में बोझ है इनको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका, ये इनको परेशान कर रहा है। हो सकता है इनके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनको हमेशा उठाने पड़ते हैं, जो काम ये करना चाहते हुए भी करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपके साथ बांटना चाहते हैं और अपने लाइफ में भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये गिव अप करना नहीं चाहते हैं, ये अपने लाइफ को खुशी खुशी जीना चाहते हैं, इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूज है कि पहले क्या करना चाहिए। रिश्ते में तो नई शुरुआत इनको चाहिए, लेकिन फिर भी ये इमोशन छुपा रहा है, और लाइफ में भी इनको स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन वो कंफ्यूज है, कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाते पाते प्यार ना चला जाए, इसीलिए ये आपसे मिल के सारी बोझ को उतारना चाहते हैं, दिल की जो बातें, दिमाग की जो परेशानी है वो आपसे बताना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते से गिवअप भी नहीं करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की परेशानी से गिवअप करना चाहते हैं, लेकिन दिल की परेशानी से गिवअप करना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। ये थोड़ा मतलब हाई प्रोफाइल लव की सिचुएशन है, ये छुपा भी रहा है, चाहते भी हैं, काम भी हैं उनके, रिश्ते भी हैं, दिल भी इनका दुखा हुआ है, लेकिन ये कुछ भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। ये चाहते हैं सब कुछ खुल के बोलना, अपनी परेशानी बताना, नया कुछ करना, रिश्ते के बारे में सोचना, रिश्ते को लेके नए सोच के साथ आगे जाना, लेकिन ये इंसान कर नहीं पा रहा है। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इनको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा, हो सकता है आप इनसे बात करो, या फिर आपसे बात करने की इंतज़ार, या फिर नई शुरुआत करने की इंतज़ार। देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स द मैजिशियन, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जेमिनाई लिब्रा, जेमिनाई, आप खुद किसी जेमिनाई के साथ रिश्ते में हो सकते हो, किसी लियो के साथ, एरिस के साथ रिश्ते में हो सकते हो, ये इंसान एक्शन लेना तो चाहते हैं, हो सकता है ये जल्दबाजी में एक्शन ले भी ले, आपसे मिलना ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, हो सकता है लास्ट मोमेंट में आपसे ये बात करना चालू कर दे, या फिर आपसे मिलने चले आए अचानक से, जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये नहीं आएगा, ये इंसान नहीं आ सकता, लेकिन ये चला आएगा आपसे मिलने, अगर आपसे दूर रहता है, और अचानक से आपसे बात करना शुरू कर देगा
क्योंकि ये खुद भी रात को सो नहीं पाता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, इनको दिमाग में पूरा दिन काम में व्यस्त रहता है, हो सकता है रात को इनके दिमाग में परेशानी हो जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है, रिश्ता तो पहले अच्छा था, क्यों हमसे बात नहीं हो रहा है, इस तरह के सोच इनके दिमाग में आता है। हो सकता है ये कुछ ऐसा कर ले कि दोबारा से आप लोगों की रिश्ते में बात शुरू हो जाए, करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये अचानक से कोई एक्शन ले ले। अचानक से इनको मन इनके मन में ये आए कि बहुत हुआ, बहुत इंतज़ार किए, अब छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपसे बात करने या मिलने आ सकते हैं। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, देख लेते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को छुपाना चाहते हो तो ऐसा मत कीजिए, खास करके अगर आप अपना इमोशन छुपाना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आप रिश्ते से इमोशन के कारण ही मूव ऑन किए हो, या फिर आपको उस तरह का प्यार इमोशन अपनापन नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपने थोड़ी देर के लिए रिश्ते से ब्रेक लिया है। हो सकता है आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ भी रिश्ते में हो सकते हो, एरीज लियो भी हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस या फिर एरीज लियो का हो सकता है, सजिटेरियस का, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि में मत जाइए। तो यूनिवर्स ही यही कह रहा है कि अगर आप अपने बातों को, अपने इमोशन को ज़्यादा छुपाओगे, छुपा रहे हो, तो इससे कोई काम नहीं होगा, आपको अपना इमोशन खुल के बताना है। और अगर आपको अपने परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए, जो लोग शादीशुदा हैं वो अगर दोबारा से परिवार में आना चाहते हैं, या फिर जो शादी नहीं किया है जिन्होंने, उन्होंने अगर रिश्ते बनाने चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, तो उनको खुल के बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने सर पे बोझ, दिल पे बोझ लेके बैठा रहूँगा और अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप किसी ज्योतिष को दिखाओ, चाहे किसी टैरो रीडर से टैरो सुनो, होगा तो वही जब आप खुद से कोई एक्शन लोगे। हम ये गाइड कर सकते हैं, यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। अगर आप अपना इमोशन छुपा रहे हो तो वो छुपा तो है नहीं, ये तो बाहर आ ही जाएगा। जिस भी कारण से आपने रिश्ते से बाहर आए थे, अगर आपको लगता है वो चीज़ सही हो गया है, तो आपको दोबारा से रिश्ते में आना चाहिए और अपने जो हक है प्यार का, उसको लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।